ବକ୍ସରରେ ତିଆରି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାଷ୍ୟମାନ ଘର। ଏହାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କୁମାର ପ୍ରସାଦ। ବିହାରରେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏପରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷ୍ୟମାନ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷରେ ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ବିହାରରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏପରି ଏକ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଘର ସହ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ବହୁତ ବଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ହେବ ବାଢ଼ କି ହେ ଯୋଉ ହର ସାଲ ଆନେ ଵାଲା ଯୋଉ ବାଢ଼ ହେ ଵୋ କୁଛ ମହିନେ ଲୋଗୋ କା ଲେ ଲେତା ହେ ଫିର ଉସକୋ ରିପେୟର କରନେ ମେ କୁଛ ଔର ମହିନେ ଲେ ଲେତା ହେ तो अगर पूरे एक मास स्केल पे देखें तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो हर साल 2 से 3-4 महीने जो है उनका व्यर्थ जाता है जीवन का, है ना, जो कि बहुत प्रोडक्टिविटी में लग सकता है। तो एक ऐसी परिकल्पना हुई कि अगर हम घर का ही ढांचा ऐसा बनाते हैं जो बाढ़ आए तो बाढ़ में अपनी जगह पर तैरने में सक्षम हो, जब जरूरत पड़े तो वो अपनी जगह वापस हो जाए, और जैसे ही एक घर आपको दिख रहा भी बनता हुआ वैसे ही अगर एक घर के जगह पर एक 2-4-5 घरों का एक कॉलोनी हो, 10-20 घरों को और 100 घरों का एक गांव हो या एक सभ्यता हो कि पूरी की पूरी वो रिजिलियंट हो, क्लाइमेट से उसको कोई असर ना पड़े, जब बाढ़ का समय है तो उससे हम बच जाएं, अगर लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कोई ग्रिड पे तो हमारा अपना सोलर सिस्टम हो, हम खुद का खाना उगा पाएँ, हम खुद का पानी जो है वो नदी का पानी साफ करके पी पाएँ, हमारे जो टॉयलेट और बाथरूम का पानी है वो गंदा करके नदी को गंदा ना करें। तो ओवरऑल समझिएगा तो ये केवल बाढ़ से बचने का तरीका नहीं, ये एक लाइफ का एक्सपेरिमेंट है कि पानी पे लाइफ कैसा होगा, पानी पे जीवन कैसा होगा। प्रतिवर्ष बिहार रे प्रबल बन्या आसी थाए जहाँ द्वारा अनेक परिवार क्षतिग्रस्त होइथांती। 3-4 मास से माने रहिबा पई एवं पुणी निज घर तयारी करबा पई अनेक समस्या रे पड़िथांती। ଏହିଭଳି ଘର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଅତି ଆରାମରେ ରହିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ। ବିହାରର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ଏପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଘର ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଭାସ୍ୟମାନ ଘର ତିଆରି କରାଯାଉଛି ହେଲେ ଏହାକୁ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। क्विक फास्ट और उसका लाइफ भी स्पेन छोटा है, कम है, तो हम लोग ये ट्रायल कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर पाए, है ना, और उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। सडन बाढ़ आना, क्लाउड ब्रस्ट हो जाना, ये हर जगह बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, तो हमें अब सॉल्यूशन पे काम करना होगा, परमानेंट रिजिलियंट कैसे बनाए, सभ्यताओं को रिजिलियंट बनना होगा, हम लोगों को खुद को स्वावलंबी बनना होगा, है ना, तो ये उसका एक्सपीरियंस। କେବଳ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନୁହେଁ ପାଣି ଭିତରେ ଜୀବନ କେମିତି ଜୀ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଏପରି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାସ୍ୟମାନ ଘର ତିଆରି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।